विधायक दल के 4 सदस्य टीम दरभंगा पहुंचे और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच का आपातकालीन विभाग का निरीक्षण किया। विधायक रामबलि सिंह यादव जहानाबाद ओंसी के विधायक ने वहीं दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल की स्थिति को देखकर कहा कि डीएमसीएच खुद बीमार है तो क्या ये लोगों का इलाज करेगा, इसे तो खुद इलाज की जरूरत है। डीएमसीएच की बुरी स्थिति पर कहा कि हम सरकार को इस बात की सूचना देंगे। वहीं विधायक रामबलि सिंह गंदगी को लेकर भी काफी नाराजगी दिखाई और कहा कि एक टीम के तौर पर हम इस जिला में आए हैं और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी से मीटिंग के बाद बताया कि दरभंगा का डीएमसीएच लाइफलाइन है। वहीं उन्होंने कहा कि डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग को उन्होंने देखा, यहाँ गंदगी का अंबार है और ये भी बोला कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ रोगी स्वस्थ होकर क्या ही जाएगा, यहाँ तो रोगी और बीमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, सुरक्षा नहीं मिल रही, इन तमाम बातों पर वह सरकार को रिपोर्ट करेंगे। मीडिया से बात करते हुए और भी कई महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने रखा। प्रत्यायुक्त विधान समिति एक टीम के तौर पर इस जिला में हम लोग आए हैं और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद हम लोग कुछ विजिट प्वाइंट चिन्हित किया था और जिसमें डीएमसीएच जो लाइफ लाइन है जीवन का, जीवन रहेगा तब न आदमी रहेगा और आदमी रहेगा तब न विकास होगी, तो उसी के तहत आज हम लोग आए हैं देखने। अभी हम लोग इमरजेंसी को देखा है, हम लोग रोगियों से बातचीत किए और हम लोग देखे कि गंदगी का अंबार है, रोगी चिल्ला रहे हैं लोग और उनका इलाज अभी शुरू नहीं, 3-3 घंटा 5-5 घंटा से हुआ है और हम लोग जब ही गेट के अंदर घुसे वहीं से शुरू हो गया कि यहाँ रोगी स्वस्थ होकर क्या जाएगा, यहाँ तो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा। ये गंदगी देखने को मिला, इसके साथ साथ अब गंदगी रहेगा नहीं, कर्मचारी हैं, कर्मचारी का जो है वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारी के सुरक्षा नहीं मिल रहा है, बल्कि अभी सूचना मिली कि एक कर्मचारी को जेल भेज दिया गया, तो कर्मचारी यहाँ रहेंगे उनको सम्मान कीजिएगा तब न साफ सफाई करेंगे, तो बाकी चीज़ों पर अभी हम लोग एक समिति की ओर से आए हैं, बाकी चीज़ों पर हम लोगों लोग अपने समिति में इसकी समीक्षा करेंगे, सरकार को इस पर रिपोर्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के पदाधिकारी को, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, प्रशासक हैं, इनको अपने समिति में बिहार विधानसभा में इनको बुलाएंगे और जो शिक्षा विभाग के राज्य के सचिव हैं उनके साथ हम लोग वार्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं वो दूर हो और कम से कम जनता को ठगा नहीं जाए, क्योंकि गाढ़ी कमाई है इसमें ना। कोरोना काल में सभी 243 विधायक के 3-3 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था, गरीबों के नली गली के लिए मिलता था, उसमें 2-2 करोड़ रुपया सरकार ने काट लिया और 1-1 करोड़ रुपया जो विधायकों को मिला वो भी हम लोगों ने भी स्वेच्छा से कहा कि भाई जान बचाइए, पहले अस्पताल पर ये पैसे को खर्च कीजिए। तो पूरे सरकार का गाढ़ी कमाई, जनता के जो नली गली बनता वो पैसे, सारे पैसे हम लोगों ने स्वास्थ्य को दे दिया और यहाँ आने के बाद और उसमें भी जो सरकार है, सरकार के समर्थक विधायकों की यहाँ बड़ी जमात है, तो ये दीपक तले अंधेरा है, इसलिए इसकी समीक्षा हम लोग बिहार विधानसभा में यहाँ के शासन प्रशासन जो है उनको बुला करके हम लोग करेंगे और यहाँ के जनता को कोशिश करेंगे कि राहत मिले। कहाँ कहाँ निरीक्षण किए हैं? नहीं, अभी तो हम लोग बहुत टाइम नहीं होता है, लेकिन अभी कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किए और जो है हम लोग डीएमसीएच आए हैं, तो एक चावल से ही पूरा हाड़ी का भात पता चल जाता है, इसलिए पूरे दरभंगा के विकास हम समझते हैं कि हम लोग इसको देख लिए और बाकी बातें हम लोग सरकार के साथ वार्ता में। आपका परिचय सर? रामबलि सिंह यादव विधायक हैं, जहानाबाद घोसी से विधायक हम हैं और ये जो समिति अभी है इसमें और भी हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं और जिसको हम लोग लीड कर रहे हैं। किस मीडिया से हैं आप? दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करना पड़ा युवक को महंगा। सूचना पाते ही दरभंगा जिला के तिलकेश्वर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक से 1 कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी फरार हो गया है।
तमाम मामला दरभंगा जिला के तिलकेश्वर थाना का बताया जा रहा है, जहां 30 अगस्त की देर शाम एक बाइक पर सवार युवक राजीव यादव एक दरवाजे पर बैठे व्यक्ति कृष्णा कुमारी यादव के ऊपर हवाई फायरिंग की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। बदमाश अपने आप को घिरा देख बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना तिलकेश्वर थाना को स्थानीय द्वारा दी गई। तिलकेश्वर थाना दलबल के साथ पहुंचकर बाइक को जब्त किया और बाइक के सीट के नीचे से एक देसी कट और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संदर्भ में तिलकेश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि इस संदर्भ में जानकारी मिली है। SDPO बेनीपुर को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो भी आरोपी हो, चाहे वह जितना भी शक्तिशाली हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि मामला तिलकेश्वर थाना अंतर्गत घोड़दौड़ गांव का बताया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक समेत एक कट और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय लोगों के बयान पर राजीव यादव पिता पवन यादव के द्वारा फायरिंग करने की बात सामने आई है। कृष्ण कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि आरोपी राजीव कुमार यादव कृष्ण कुमार यादव पर फायरिंग की है, जिसमें वह बाल बाल बच गए। संदर्भ में कृष्ण यादव ने भी राजीव यादव और राजेश यादव पर तिलकेश्वर थाना में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को एक मामला, वहां से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया, तो उसमें क्या कुछ अपडेट है? हम उस दिन जिस दिन घटना हुआ था थाना अध्यक्ष से बात किए थे, हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल से बात किए थे और उनको निर्देश दिया गया कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने के लिए। दरभंगा जिले के मोड़ो थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्तवाड़ा गांव निवासी अजीत कुमार साइकिल से जा रहा था कि इसी बीच एक डबरे में वह जा गिरा, जहां इस युवक के कान में लोहे का सरिया घुस गया। इसके बाद युवक की स्थिति काफी गंभीर हो गई। आनन फानन में घायल युवक को दरभंगा का सरकारी अस्पताल DMCH ले जाया गया, जहां युवक की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। क्या हुआ था? रोड डबरा में गिरने से एक साइड से निकला, कहां गया? एक साइड से घुसा अंदर से, तो फिर हम दुकान बंद करके आए, तो फिर देखे उसको डबरा में गिरे, तो हम निकाल के लाए। क्या करता है ये लड़का? ये लड़का सर कुछ नहीं करता है। कितना वर्ष का है? 16-17 वर्ष का होगा। कान में छरिया घुस गया, कोई डॉक्टर देखना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर भी देखना नहीं चाहता, डबरा में गिर गया, छरिया घुस गया। अच्छा, सरिया घुस गया कहाँ पर? पटोरी डबरा में। पटोरी डबरा में? पटोरी थाना मोड़ो बसवाड़ा जिला दरभंगा। क्या नाम है उसका? अजीत कुमार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित ठाकुर है। अमित ठाकुर। और उसका नाम? अजीत कुमार। कौन है तुम्हारा? भतीजा है मेरा। उसका बाप का नाम क्या है? मुकेश ठाकुर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सभी संकायाध्यक्षों की अहम बैठक आहूत की गई। सोमवार को कुलपति कार्यालय में आयोजित बैठक में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त शोध व अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सभी संकाय के अध्यक्षों को अपने संकाय के अंतर्गत शोध जर्नल निकालने की कवायद तेज करने की सख्त निर्देश दिए। प्रोफेसर चौधरी ने इसके साथ ही MDCE पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ साथ कमेटी के गठन की बात की। इस कमेटी का उद्देश्य महाविद्यालय में निरीक्षण कर एकेडमिक और प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना है। कमेटी इस बात यह भी सुनिश्चित करेगी कि महाविद्यालय में सभी कार्यों का निष्पादन नियमानुकूल हो, विश्वविद्यालय में अधिगम की निर्बाध धारा को बनाए रखने व नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए संकायाध्यक्षों को एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, जो कुलपति को एकेडमिक निष्पादन और संशोधन के साथ साथ परामर्श देंगे। बैठक में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधित निर्देश जारी करते हुए कुलपति ने असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल की प्रोन्नति के लिए UGC गाइडलाइन के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुतिकरण व कार्य संपादन की प्रक्रिया तीव्र गति से करने के आदेश दिए। बैठक में दिनकर चेयर मिथिला विश्वविद्यालय के बेगूसराय स्थित GD कॉलेज और अब्दुल कलाम चेयर
WIT दरभंगा में स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में मानविकी संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह, विज्ञान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, वाणिज्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर LP जायसवाल, संगीत और नाट्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण, सामाजिक विज्ञान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर PC मिश्र, अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर विजय कुमार यादव और कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित उपस्थित थे। उसके बाद आप लोग हमें डायरेक्टली अर्जेंट वे में हमसे मिलकर आप उसको रिजॉल्व करें, है ना? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के धरना स्थल पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना था कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मौजूद कर्मचारियों ने। विश्वविद्यालय का जो धरना स्थल बनाया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये अवकाश प्राप्त कर्मचारी अपना एक निर्णय लेकर के और जो इनको बकाया राशि भुगतान है, जैसे पेंशन का है या फिर ग्रेचुटी है या अर्जित अवकाश का है, जो 2020 से लेके अप टू 24 तक 1 रुपये की राशि किसी भी पेंशन पदाधिकारी कर्मचारी को नहीं मिलता है। इसलिए हम चारों जिला से 76 कर्मचारी यहाँ आ करके और प्रशासन को यह जताना चाहते हैं कि जो हमारा जेन्युइन डिमांड है, जैसे आप ही के जो नियम प्रनियम से जो हमारा फिक्सेशन हुआ था उसके आधार पर मेरा फिक्सेशन किया गया, उसके आधार पर हमारा ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। साथ साथ टाइम टू टाइम इन्होंने जो रेगुलर कर्मचारी है जो अभी कार्यरत है उनको इन्होंने 7th पे के अगेंस्ट में, एरियर के अगेंस्ट में इन्होंने 2,00,000 रुपया भुगतान किया और जितने यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं अवकाश प्राप्त उनको वह 2,00,000 रुपया मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली और कहा गया कि हम बाद में करेंगे। इतना ही नहीं, यह डिमांड 20 तारीख की मीटिंग के बाद 22 को ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दे गया था, लेकिन अभी तक किस 22 को 22/8 को दिया गया था, अभी तक उन्होंने नहीं आया है। जब तक हम लोगों को यह डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग फिर आगे निर्णय ले करके और यह आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा इस आंदोलन को बरकरार आगे रखते रहेंगे, जिसकी सूचना मैं आपको फिर बाद में दूंगा। नाम बताइए। नाम मेरा राजदेव राय, अवकाश प्राप्त, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर लाइब्रेरियन। आप लोग धरना पर बैठे हैं। हमारा प्रथम मांग है कि बिहार विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय की भांति इस विश्वविद्यालय के भी रिटायरमेंट कर्मियों को प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह में पेंशन का भुगतान किया जाए। प्रथम मांग ये है। दूसरी मांग है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 2017 के बाद ग्रेच्युटी और लीव इंस्ट्रूमेंट का भुगतान फर्स्टम वेतन में किया गया है, जिसको कि सप्तम वेतन मान में किया जाए। और बहुत से कर्मचारी हैं जो कि 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको एक भी पैसा ग्रेच्युटी और लीव इंस्ट्रूमेंट का नहीं भुगतान किया गया है, उसको भुगतान किया जाए। तीन में है, PVC के नाम पर विश्वविद्यालय तानाशाही कर रही है। जिन लोगों को प्रोन्नति दे दी गई है उनको प्रोन्नति वापस ली जा रही है, जिन लोगों को वेतनमान शुरू से दिया जा रहा है उसको कटौती की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपका राशि वापस कर ली जाए, इस तरह धांधली कर रही है। जबकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि PVC के आदेश को रद्द किया जाए और उसे रद्द कर दिया है। भागलपुर विश्वविद्यालय में यह लागू हो चुका है, मिथिला भी में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। इसके बाद अंतर वेतन 1/4/81 के बाद जितने भी कर्मियों हैं उन लोगों को बकाए वेतन का भुगतान किया जाए। जबकि विश्वविद्यालय 89 से कर रहे हैं और उसका आधार जब हम लोग मांगते हैं कि किस आधार पर कर रहे हैं तो कह रहा है कि हमारा आधार है, हम कोई आधार नहीं देंगे। कुल कितने मांग आपकी है? हमारी मांग कुल 8 है। तो आप जो आज धरना पर बैठे हैं मिथिला विश्वविद्यालय में, अगर आपकी मांग पर नहीं विचार होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जेल भी जाएंगे, मार भी खाएंगे,
सब चीज करेंगे, लेकिन हम लोग मांग लेकर आए हैं। कोई पदाधिकारी आपसे मिलने आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। कई दिवसीय धरना पर है? एक दिवसीय धरना है। अपना परिचय दीजिए। सत्यनारायण सिन्हा, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के महासचिव हम हैं। आज श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा श्री रानी सती दादी जी के दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को गांधी चौक स्थित दादी जी के मंदिर पर सुबह 7 बजे से ही दादी जी की विशेष पूजा अर्चना समाज के हर वर्ग से आए दादी भक्तों द्वारा की गई, जिसमें दरभंगा के हर क्षेत्र हर कोने कोने से दादी भक्त सब परिवार मंदिर पहुंचकर दादी जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना राजेश तुलसियान के देखरेख में कराया गया। दोपहर 2:30 बजे से मंगल पाठ का आयोजन संस्था द्वारा किया गया। मंगल पाठ वाचन के लिए संस्था ने सूरत की सुप्रसिद्ध मंगल पाठ वाचक श्रीमती सोनी पुड़वे को बुलाया गया, जिन्होंने अपने मधुरवाणी से मंगल वाचन किया। उनका साथ देने कलकत्ता से सौरभ शर्मा को भी बुलाया गया। म्यूजिक सिस्टम भी इस बार कलकत्ता के सुप्रसिद्ध म्यूजिशियन तपस म्यूजिक टीम को बुलाया गया, जिनके आने से कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष संजय कंदोई एवं सचिव संजीव मित्तल के नेतृत्व में काशी खेड़िया, संगीत जाजोडिया अनिल गोयंका, सुबोध लाडिया, अनिल खेतान, रंजन तुलसियान, कमल दानुका, संदीप कंदोई, सत्यनारायण भारतीय, शंभू डोकानिया, विजय अग्रवाल, संगीता मित्तल, नीतू खेड़िया, रश्मि तुलसियान, चीनी तुलसियान, सोनी लाडिया, सुमन खेतान आदि सदस्य 1 महीने से भी अधिक समय से लगे थे। समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग द्वारा किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, यह श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी जी का महोत्सव का आयोजन किया गया, जो गांधी चौक स्थित दादी मंदिर, जो वर्षों पुरानी मंदिर है, दरभंगा की सबसे पुरानी दादी मंदिर है, उसमें यह आयोजन रखा गया है। हमारी समिति का यह दायित्व होता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा विधि विधान के रूप से करते आए, उसी को हम लोग आगे भी पालन कर रहे हैं। उसी क्रम में यह पूजा किया गया है। प्रथम दिन हम लोगों ने इसमें कलश शोभा यात्रा, मायरा शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जिसको रानी सेवा समिति, श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें युवा शक्तियों द्वारा भी उसका पूरा देख रेख कि गर्मी में किसी भी दादी भक्त को परेशानी नहीं हो, उसके बारे में पूरा ख्याल रखते हुए कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। कितनी महिलाएं शामिल हुई? लगभग 400 से 450 महिलाएं इसमें भाग ली थी। और सबसे खास बात रही कि इतनी गर्मी होने के बावजूद सभी महिलाएं पूर्ण रास्ते में पूरी दादी भक्तमय होते हुए इस यात्रा में भाग ली और वापस सकुशल दादी मंदिर में वापस आकर के अपने कलश को, अपने मायरा के सामान को दादी जी को समर्पित किया। और आज दूसरे दिन, आज सुबह प्रातः 7 बजे से दादी जी की विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसमें हम लोगों का जात जरूला जो पूजा की विधि विधान है, उस रूप से अखंड ज्योत के सामने वो पूजा समाज के हर कोने से आए दादी भक्तों ने किया है। और वे सब परिवार उपस्थित हुए और दादी जी की विशेष पूजा अर्चना की है। और दोपहर 2:30 बजे से सूरत की सुप्रसिद्ध मंगल पाठ वाचिका सोनी जी के द्वारा यह मंगल पाठ शुरुआत की गई है, जिसमें कलकत्ता से आए हैं हमारे भजन गायक ने भी उनका भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने खास रहा है कि पूरी टीम, यहाँ तक कि म्यूजिशियन तक हम लोगों ने बाहर से मंगवाया, क्योंकि कलाकार के अनुरूप यदि उनका तालमेल नहीं होता है तो वह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। तो कलाकार के आग्रह पर ही हम लोगों ने इस बार कलकत्ता से म्यूजिशियन टीम को बुलाया, जो काफी अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। और हमें दरभंगा के हर वर्ग से पूर्ण सहयोग, आर्थिक, शारीरिक पूरा सहयोग मिला है, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। हम अपने समाज और हर वर्ग का साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग प्रदान किया। नाम बता दीजिए। नीरज कुमार खेड़िया। क्या है आप इसमें? मीडिया प्रभारी।